अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स इनसाइट्स विद मायरा बर्ड। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? नहीं तो आज हम आपको दिखाएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम यानी कि नेशनल हॉकी स्टेडियम है बागों के शहर लाहौर में। अंदर जाकर आपको दिखाते हैं कि कितना बड़ा एरिया है और कौन कौन से प्लेयर्स अंदर मौजूद। नेशनल हॉकी स्टेडियम हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 45,000 स्पेक्टेटर्स। ये वो स्टेडियम है जहां पर 1990 का वर्ल्ड कप खेला गया था। इस स्टेडियम में बहुत से टूर्नामेंट करवाए गए हैं और आगे भी होंगे। इसके अलावा इस स्टेडियम में ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आते भी हैं और खेलते भी हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि नेशनल हॉकी स्टेडियम से आपकी कोई ऐसी याद या कोई ऐसा यादगार मैच जो आप आज तक नहीं भूल पाए। देखिए, प्रैक्टिकली तो मैं नहीं भूल सकता। मैं क्या, जो भी मेरे साथ उस टीम में शामिल था 1990 वर्ल्ड कप जो हम फाइनल खेले हैं यहाँ पे हॉलैंड के खिलाफ, और मेरा ख्याल है कि अभी भी अगर हम रिकॉर्ड ढूंढने निकलेंगे ना तो आपको ये चीज़ बड़ी वाज़े अल्फाज में लिखी मिलेगी कि जो 1990 के वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान और हॉलैंड के दरमियान यहाँ पर हुआ था वो एक रिकॉर्ड क्राउड था उस वक्त। मैं अभी तक नहीं भूला कि SM नकी और मज़र फ़ारूक साहब जो TV पर कमेंट्री कर रहे थे, बाद में मुझे घर वालों ने बताया कि वो कमेंट्री में कह रहे थे कि लोगों से दरख्वास्त है वो स्टेडियम की तरफ ना जाएं क्योंकि स्टेडियम इस वक्त खचा खच लोगों से भरा हुआ है। और मेरी अपनी फैमिली के लोग जिनको मैंने VVIP पासेस दिए हुए थे उन्होंने इन जंगलों के साथ खड़े होकर मैच देखा। तो इट वॉज़ आई थिंक रफली 78,000 रिकॉर्ड स्पेक्टेटर्स थे उस वक्त 1990 वर्ल्ड कप में। ये लहदा बात है कि हम लोग वो मैच फाइनल का हार गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेकिन गेम का हिस्सा है। तो ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ है, इस नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर के लिए एजाज़ है कि अभी तक जो दुनिया में जितने भी हॉकी के वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड क्राउड इकट्ठा हुआ है वो 1990 वर्ल्ड कप के फाइनल में यहाँ पे लाहौर हॉकी स्टेडियम में हुआ था। बहुत यादें हैं मेरी। हमारे बड़े कैंप्स लगे हैं हॉकी के, हमने यहाँ बहुत प्रैक्टिस की है। इसके अलावा पाकिस्तान ने यहाँ पे वर्ल्ड कप खेला है 90 में, रनर्स अप रहे हैं, अनलकी थे मैं कहता हूँ, समझता हूँ पाकिस्तान उस टाइम। और ये स्टेडियम मैंने पूरा भरा हुआ देखा है, और जितने लोग स्टेडियम के अंदर होते थे उतने ही स्टेडियम के बाहर भी होते थे। उस वक्त हॉकी उरूज पे थी और पाकिस्तान टीम भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं रहा इधर। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जो है वो फिर से हॉकी का दौर आएगा, और जो बच्चे हमने आज देखे हैं यही एक फ्यूचर है पाकिस्तान के। और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ इस स्टेडियम को भरने की, और जो फैसिलिटीज़ इधर हैं वो भी हमें जो है बहुत, इसमें स्पोर्ट्स बोर्ड, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का है और इसमें मज़ीद और बेहतर कर सकते हैं वो। जो रहने का है रूम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के ठहरें यहाँ बच्चे और वो हॉकी स्टेडियम से फ़ायदा हो, तो रूम्स बहुत हैं पर उनको थोड़ा सा आराइश की ज़रूरत है, तो उसकी भी मैं कहूँगा पंजाब स्पोर्ट बोर्ड से। और जिम वगैरह भी जो है यहाँ पर उसका भी फकदान है, तो जिम वगैरह भी बनाएं और उसको हम क्लब भी बना सकते हैं, उसको हम मेंबरशिप भी दे सकते हैं यहाँ। तो इतनी बड़ी जगह है ये, इसको यूटिलाइज और अच्छी तरीके से किया जा सकता है। तो इस वक्त मैं नेशनल हॉकी स्टेडियम के अंदर मौजूद हूँ और हमारे साथ यहाँ पर हमारी नेशनल फीमेल प्लेयर्स भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सबा। सबा, मुझे बताइएगा कि आप कब से हॉकी खेल रही हैं? मुझे 4 साल हो गए हैं खेलते हुए और नेशनल प्लेयर हूँ। मुझे ये बताइएगा कि नेशनल हॉकी स्टेडियम की हिस्ट्री के हवाले से आप क्या जानती हैं? यही कि ये एशिया से सबसे बड़ा स्टेडियम है और जितने भी ओलंपिक प्लेयर हैं ये यहाँ पर ही मतलब आके खेलते हैं, और ये सबसे बड़ा स्टेडियम है और यहाँ पर ही हम लोगों की ट्रेनिंग होती है। ये लाहौर का वाहिद ये स्टेडियम है जहाँ पर सारी लड़कियाँ और लड़के मिक्स ट्रेनिंग करते हैं। हमारे साथ हुमैरा भी है। हुमैरा, मुझे ये बताइएगा कि आप कैसा देख रही हैं कि इस स्टेडियम में आप लोगों को एक साथ प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी एक जैसी मिलती हैं? जी ऑफ कोर्स, हर किसी के गेम्स लेवल के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जिस तरह के गेम्स होगी उस तरह आपको एक लेवल दिया जाता है, जिस तरह नेशनल लेवल होता है, इंटरनेशनल लेवल्स होता है, उसके ऊपर भी बाइक के टूवर्स भी मिलते हैं। वो जाहिर सी बात है, जिस तरह के आप अपनी गेम शो करवाएंगे उस तरह के आपको लेवल्स देंगे और आपको अचीवमेंट्स मिलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छे से अच्छे लेवल्स आप अप्रूव कर सकेंगे। जाना कहाँ पड़ती रहे ये रोशनी।
व्लॉग में हमने आपको दिखाया नेशनल हॉकी स्टेडियम। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है हमें जरूर बताइएगा और स्पोर्ट्स इंसाइट्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।